आवा में स्थित महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय की शुरुआत किस प्रकार हुई और इस पुस्तकालय को शुरुआत करने में क्या क्या कठिनाई आई और कैसे इसका विकसित रूप हुआ और इसकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, छात्र इसमें कैसे जुड़े, इन्हीं सभी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम 14 जनवरी 2019 को अंशुल शर्मा जो अध्यापक राजकीय बालिका विद्यालय में आवा में कार्यरत है, उन्होंने सोचा कि आवा में भी एक ऐसा पुस्तकालय हो जहां पर हर वर्ग के व्यक्ति आके अध्ययन करें। इसी कड़े में उन्होंने एक पुस्तकालय खोलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने बारी बारी से गांव के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया। इसी कड़ी में उन्होंने गांव के व्यक्तियों में पुस्तकालय का विचार साझा किया। अनेक व्यक्तियों की अपनी अपनी राय थी, तो हमने निश्चय किया कि एक पुस्तकालय गांव में होना चाहिए। तो उसके लिए भवन की जरूरत थी, जो बच्चों के लिए पढ़ाई का वातावरण उसमें हो। तो पंचायत परिसर में हमने एक ऐसा रूम देखा, पर उसके लिए हमें पंचायत प्रशासन की अनुमति लेनी आवश्यक थी। तो हमने सरपंच साहब राधेश्याम जी चंदेल से संपर्क किया। उन्होंने पहले ही बार में हमारे इस विचार का स्वागत किया और हमें पंचायत परिसर का जो रूम बड़ौदा ग्रामीण बैंक के नीचे है वो पुस्तकालय के लिए दे दिया। जैसे ही हमने पुस्तकालय के रूम को खोला तो वो बिल्कुल बैठने लायक नहीं था। उसमें आधे पर्स तक डांबर जमी हुई थी और दीवारों पर सीमेंट पुता हुआ था। तो उसको 3-4 बार पुतवाया और उसकी डांबर अपने हाथों से साफ की, तब जाके वो कमरा बैठने लायक हुआ। उसके बाद में उस कमरे में लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी थी, पुस्तकों की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, तो ये सभी समस्याएं थी। इनके लिए आर्थिक मदद भी चाहिए थी, तो कुछ अध्यापकों ने हमारी आर्थिक मदद भी की। उसमें बद्री जी बेरवा सर्वप्रथम थे, जिन्होंने हमें सर्वप्रथम जनवादी पुस्तकालय के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 500 रुपये की रसीद करवाई कटवाई। उसके बाद कुछ अध्यापकों ने भी हमें हमारा सहयोग इस मामले में किया। बाद में हमने इसमें इसको पुतवा कर बिजली की व्यवस्था की, इसमें दरियां बिछवाई और फर्नीचर बिछवाए, और जो पुस्तकों की व्यवस्था की के लिए हम जयपुर गए और वहाँ से लगभग 500 से 1000 पुस्तकें बोधि प्रकाशन द्वारा हमें भेंट की गई। उसके बाद हमने इंटरनेट के माध्यम से राजकमल प्रकाशन से करीब 60,000 की पुस्तकें पुस्तकालय के लिए हमें प्रदान की गई। उसी कड़ी में, उसी दरमियान यहाँ आवा में मुनि सुदासागर जी महाराज थे, तो उनसे भी हमें बुकें लाइब्रेरी के लिए जैन साहित्य की बुकें प्राप्त हुई। अब इसमें लाइब्रेरी में छात्र कैसे जुड़े, इसके लिए हमने प्रयास जारी रखे। अंशुल जी और मैं दिन में नौकरी करते थे, तो सुबह शाम ही इसमें समय दे पाते थे, लेकिन पूरे दिन ये खुला कैसे रहे, छात्रों को इसमें कैसे जोड़ा जाए, ये भी हमारी सामने समस्या थी। कोई निरंतर बैठने के लिए इसमें तैयार नहीं था उस वक्त। तो नवाब खान जी की मैसेज लगभग 2 महीने तक
वो यहाँ पे आते और पुस्तकालय को खोलते, उनके साथ उनके जो पड़ोस में रहते थे, जो बच्चियाँ पड़ोस में रहती थी छोटी, उनको भी वो अपने साथ लेके आते और 2 महीने तक उन्होंने इस काम को जारी रखा और पुस्तकालय को नियमित रूप से वो खोलती रही। उसके बाद हमारे साथ नियमित रूप से छात्र जुड़ते गए, टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई और इस वक्त करीब 8 से 10 छात्र इसमें नियमित रूप से आ रहे हैं। इसमें कंपटीशन की भूखे रखी हुई है। लगभग 10,000 के लगभग इसमें किताबें हैं। इसमें साहित्य की किताबें, प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें, इतिहास की किताबें, संस्कृत की किताबें और धर्म की किताबें रखी हुई है, जिसका अध्ययन छात्र यहाँ पर ले रहे हैं। और ये अभी लगभग 15 से 20 घंटे अभी पुस्तकालय हमारा खुला हुआ रहता है। तो अब हम जो यहाँ पे छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उनके विचार लेते हैं कि उनको पुस्तकालय में कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ का वातावरण कैसा है, इसके बारे में बताएंगे छात्र परमानंद प्रजापति, जो यहाँ पर लगभग 10 से 12 घंटे रोज अध्ययन कर रहे हैं। आइए परमानंद। नमस्कार, सभी का धन्यवाद जो इस पुस्तकालय को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है। उन सभी का धन्यवाद जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिनका इस पुस्तकालय को बढ़ाने के प्रति अपने सहयोग रहा है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पुस्तकालय में लगभग 2 महीने से लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रखा हूँ। इस पुस्तकालय में काफ़ी 2 दर्जन से भी अधिक विद्यार्थी रोजाना अध्ययन करते हैं। अलग अलग टाइमिंग के दौरान ये पुस्तकालय अलग अलग बैचों में चलता है। पुस्तकालय में स्थित वर्तमान में 1,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पर, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय में जो सुविधाएँ हमको मिल रही है वो इससे बेहतरीन इस टोंक ज़िले के अंदर कहीं भी नहीं है। कोरोना टाइम में भी विद्यार्थियों का पलायन रुक गया है। जो विद्यार्थी गांव से निकलकर शहर में जाते थे पढ़ने के लिए, वो भी अभी यहाँ पर अपनी पैसे बचाकर तैयारी कर रहे हैं और बाहर जो भी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से इस लाइब्रेरी में बिना किसी निःशुल्क से पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं ब्रजेश कुमार वर्मा आवाज़ से, मैं गत 1 माह से यहाँ पर लाइब्रेरी में महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय में अध्ययनरत हूँ। पहले हम जयपुर में वहाँ पर कोचिंग किया, वहाँ पर हम रीडिंग की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद हम कोरोना में मार्च माह से ही हम गांव में हैं, तो हमें वह जो वातावरण चाहिए था हमें वह नहीं मिल पा रहा था। तो हमें जनवादी महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय का पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क में पढ़ाई का अध्ययन रत पढ़ाई करवाई जा रही है। तो हम यहाँ गत माह से यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं और सबसे ज़्यादा तो मैं अंशुल जी सर और श्री विष्णु जी सर, जयसवाल जी सर का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ कि वह इस महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय की आधारशिला रख पाए हैं। और जो अध्ययन हम बाहर जाकर जयपुर जाकर
पैसों के द्वारा हमें जो लाइब्रेरी अध्ययन किया करते थे, अब आज हमें गांव में ही अब निःशुल्क यहां पर हमें सुविधा प्राप्त हो पा रही है। इसके सबसे पहले सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन्हें अंशुल सर और विष्णु सर का करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी क्रम में अब मैं मनोज जी चंदेल को आमंत्रित करूँगा, जो भी यहाँ पर अध्ययन रहते हैं महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय में। नमस्कार, मेरा नाम मनोज चंदेल है। मैं जयपुर से कोचिंग करके तैयारी करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मैं एक गांव में था, तो फिर मेरे को महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय के बारे में मालूम चला, तो फिर मैं अभी यहाँ पे 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ और बिल्कुल अच्छा क्लाइमेट मिलता है मेरे को यहाँ पे, और ऐसा लगता है बिल्कुल फैमिली जैसा व्यवहार रहता है यहाँ पे सभी का और परिवार जैसा महसूस होता है यहाँ पे। और हमारे इसके महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय की आधारशिला रखने में श्रीमान जी अंशुल जी सर और विष्णु जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक पुस्तकालय और बैठने की व्यवस्था की, जिससे हम अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंशुल शर्मा, महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय की नींव लगभग 1 साल पहले इसका विचार हमारे दिमाग में आया। मकर संक्रांति का अवसर था और आमा में पूरा गांव दड़ा खेलने और देखने में व्यस्त था। उसी दौरान वहां खड़ी लड़कियों, बच्चों और युवा विद्यार्थियों को देखकर अचानक से मेरे मन में यह विचार आया कि गांव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना ही चाहिए, जहां प्रत्येक ग्रामीण व बाहर के व्यक्ति आकर पुस्तकों के साथ कुछ समय गुजारें, अलग अलग तरह के विचारों से रूबरू हों। यह विचार मैंने विष्णु जी सर के साथ साझा किया और जो प्रक्रियाएं हुई वो विष्णु जी सर ने कार्यक्रम के प्रारंभ में आपको बताई हैं। लगभग सभी व्यक्तियों का इस गांव में, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस जनवादी पुस्तकालय को लेकर हमें सहयोग नहीं किया। पुस्तकालय स्थापना को लेकर जितनी हमें परेशानी नहीं आई, उससे ज़्यादा परेशानी आई हमें इस पुस्तकालय से पाठकों को जोड़ने में। उसके लिए हमने विद्यालय स्तर पर और यहाँ तक कि चौराहों पर भी इस पुस्तकालय का प्रचार किया, पंपलेट छपवाए, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जहाँ तक संभव हो सका हमने प्रयास किया कि इस विचार का प्रसार हो, सभी को पता चले कि गांव में ऐसा एक पुस्तकालय है जो सभी के लिए खुला हुआ है। काफ़ी हद तक अब हमें लगता है कि हम इस विचार को लेकर सफल हुए हैं, क्योंकि अभी इसमें लगभग 8 से 10 युवा जुड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ साथ जब वो उस पाठ्यक्रम से थकान महसूस करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि वो आलमारी को खोलते हैं और कविताएं पढ़ने लगते हैं, कहानियां पढ़ने लगते हैं। इस पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि समसामयिक विषयों पर चर्चाएं भी होती हैं। हमारा जो सपना था इस पुस्तकालय की स्थापना को लेकर, वो यही नहीं था कि
विद्यार्थी या युवा इससे जुड़ें, बल्कि हमारा सपना यह है कि इस गांव का प्रत्येक बच्चा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, सभी इस पुस्तकालय में आए, पुस्तकों के पन्नों को पलटें और अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर, घटनाओं पर बातचीत करें, अपने विचार रखें, अपना मत रखें। महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय में महात्मा गांधी जो नाम है यह बाद में जोड़ा गया, पहले केवल जनवादी पुस्तकालय ही इसका नाम था। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ जब पूरा देश मना रहा था तो बापू के सम्मान में, बापू के प्रति आदरांजलि देते हुए हमने इस पुस्तकालय को महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय नाम दिया। इसे चलाने में अब हम कहें कि जब एक बार ये इस्टेब्लिश हो चुका है, इसमें बिजली की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, टेबल कुर्सी इसके अंदर लगे हुए हैं, तो अब मुझे लगता है कि इसके आगे विशेष कोई खर्चा आने वाला नहीं है, क्योंकि पंचायत प्रशासन का मैं यहाँ पर विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यह सारी सुविधाएँ कमरे से लेकर बिजली तक हमें निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं। और आज के अखबार में भी सरपंच साहब ने यह वक्तव्य दिया है कि हर संभव प्रयास महात्मा गांधी जनवादी पुस्तकालय को बढ़ाने के लिए मैं करूँगा, तो मैं विशेष रूप से उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से, सभी पाठकों के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि इस तरह के प्रयासों को कैसे विस्तारित किया जा सकता है। इस तरह के प्रयासों को विस्तारित करने का मेरी दृष्टि में एक ही मार्ग है, वो यह है कि युवा इस तरह के कामों को लेकर आगे आए। यह मायने नहीं रखता कि किस स्तर तक हम उस विचार को ले जा पाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उस विचार को लेकर शुरुआत कर पाते हैं या नहीं। हमारा सपना यही है कि हर गांव में, हर ढाणी में, कस्बे में एक ऐसी जगह हो जहां बैठकर पुस्तकें पढ़ी जा सकें, उन पुस्तकों पर चर्चाएं की जा सकें। हमें खुशी है कि हम इस पुस्तकालय के विचार को आगे ले जा पा रहे हैं, समर्थन हमें मिलने प्रारंभ हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे इसके अंदर आने लगे हैं। और आज ही सुबह है, हमारे एक मित्र ने यह सूचना दी है कि अब इस गांव की बच्चियां भी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आएंगी। तो अब हमें लगने लगा है कि यह विचार धीरे धीरे सब तक पहुंच रहा है, और निश्चित रूप से हम इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। जिस भी तरीके से हमें सुझाव मिल रहे हैं, हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, हम उसमें उन सुझावों को लिखते हैं। जो भी इस पुस्तकालय को देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं, हम उनके सुझाव उनसे लेते हैं और उन पर अमल करने का प्रयास करते हैं। एक और बात कही है कि आप राजकीय शिक्षक होते हुए इस कार्यक्रम के लिए समय कैसे दे पाते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं कहता हूँ कि जिस विचार में और जिस काम में हमारी आत्मा जुड़ी होती है, उस काम के लिए व्यस्त होते हुए भी हम समय निकाल ही लेते हैं। तो आप ये समझें कि पुस्तकालय का ये विचार हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मैं तो शिक्षक हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं विद्यार्थी, उनका समय कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी वे इस पुस्तकालय के लिए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए समय निकालते हैं, तो उनका समय निकाल पाना मेरे समय निकाल पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी गांव यानी आवा गांव के युवाओं के साथ मिलकर हमने एक और नवाचार किया था, हमने सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था।
उसे हमने नाम दिया था ग्रीन आवा। ग्रीन आवा कैंपेन के अंतर्गत इस गांव में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सार्वजनिक स्थलों पर हमने पौधे लगाए, और मुझे बताती हुई यह खुशी होती है कि वे पौधे अभी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं अंत में जनसरोकार मंच टोंक का आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरी टीम की ओर से कि उन्होंने यह मंच हमें प्रदान किया। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वे कमेंट सेक्शन में आप लिखें। इस पुस्तकालय से संबंधित कोई प्रश्न, कोई क्वेरी आपकी हो, आपने कैसे पुस्तकालय की पुस्तकें एकत्र की? जी सर, पुस्तकें एकत्र करने का हमने एक तरीका ये अपनाया कि हम जितने भी समर्थ व्यक्ति या संस्थान थे, संस्थान हैं, हमने एक बात ये पकड़ के रखी कि हम जिससे भी लेंगे पुस्तकों का ही दान लेंगे। पैसे लेने की बजाय हम खुद से पुस्तकें खरीदें, उसकी बजाय हमने प्रायोरिटी दी कि लोग हमें सीधी पुस्तकें दें। सबसे पहले इस पुस्तकालय को पुस्तकों का सहयोग दिया बोधि प्रकाशन ने। बोधि प्रकाशन ने हमें पुस्तकों के दो कार्टून भरकर उपलब्ध करवाए, दान दिए। इसके बाद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मनु शर्मा जी सर का आशीर्वाद भी हमें मिला, और उन्होंने इस पुस्तकालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था की, उसका भुगतान उन्होंने स्वयं किया। हम इसी दरमियान सभी बड़े बड़े संस्थानों को पत्र लिख रहे थे जो हमें पुस्तकें उपलब्ध करवा सकते थे। तो एक दिन, दो महीने बाद राजकमल प्रकाशन की ओर से हमें एक पत्र मिला, और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको पुस्तकें दान में दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर थी। लगभग 60,000 रुपये की पुस्तकें राजकमल प्रकाशन ने हमें दान की। यह एक बहुत बड़ा सहयोग था राजकमल प्रकाशन का। इतने बड़े प्रकाशन का सहयोग एक छोटे से पुस्तकालय को, मैं ये कहूँगा कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संत सुधा सागर महाराज का क्या मार्गदर्शन रहा? थोड़ा सा समय में लूँ, मगर इस कहानी को मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। इस पुस्तकालय की स्थापना को लेकर जो जुनून हम लोगों के भीतर था, मुझे आज भी उसको महसूस करके मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। हम यहाँ पर, हमें पता चला कि हमारा साहब सुधा सागर जी रुके हुए हैं, तो हमारे मन में ये विचार आया कि हम मारा साहब से भी मिलेंगे और उन्हें भी हमारे इस प्रयास के बारे में बताएंगे। तो हम सुबह लगभग 7 बजे, सर्दियों की सुबह थी,
और गुरु आरती सुबह सुबह एक कार्यक्रम होता है, तो हम गुरु आरती में पहुंच गए। यहाँ के एक शिक्षक हैं श्री कमलेश जी जैन। कमलेश जी जैन ने हमें मारा साहब से मिलवाया। हम एक पत्र लिखकर उनके समक्ष लेकर गए थे। जब सभी श्रद्धालु बाहर चले गए तो उसके पश्चात कमलेश जी जैन ने हमें मारा साहब से मिलवाया। मारा साहब के समक्ष मारा साहब ने पत्र पढ़ा और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि जो कुछ भी है मारा साहब वो आपके पास ही है, आपका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन अगर इस पुस्तकालय को मिलता है तो ये निश्चित रूप से ये पुस्तकालय। मारा साहब मुस्कुराने लगे। मारा साहब ने कहा कि मैं मेरे हाथ से ऐसा साहित्य छांट कर आपके पुस्तकालय को दूंगा जिसे सब हम तो ऐसा सुनकर जैसे हवा में उड़ने लगे। हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगले दिन 3 बजे हमें मारा साहब की ओर से 20 पुस्तकें जैन साहित्य की प्राप्त हुई। मैं ये सोचता हूँ कि इतने व्यस्त होते हुए, इतनी व्यस्त उनकी दिनचर्या है, सुबह सुबह कही गई बात को उन्होंने कैसे याद रखा होगा, कब वो पुस्तकें छाटी होंगी और कब वो पुस्तकें उन्होंने भिजवाई होंगी। मैं आज भी इस बात को सोचकर काफ़ी आश्चर्य चकित होता हूँ कि सारी ताकत विचार की ही है। अगर हम कोई अच्छा विचार लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मार्गदर्शन और संबल मिलते हैं। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं रुकूं। मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहूँगा आप सभी से, आप भी ऐसे प्रयास करें कि अपने गांव ढाणी या कस्बे में एक ऐसी जगह हो जहाँ गांव वाले पढ़ सकें, बच्चे पढ़ सकें, बड़े पढ़ सकें, स्त्रियां पढ़ सकें, महिलाएं पढ़ सकें, बच्चियां पढ़ सकें। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि पुस्तकें जब वे पढ़ना शुरू करेंगे तो उनके विचारों का परिष्करण होगा और उनके विचार उच्चता की ओर बढ़ते जाएंगे। इस कार्यक्रम में कई तकनीकी खामियां आईं, उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ी। अगर ग्रामीण स्तर पर इस तरह का कोई अच्छा माध्यम हमारे पास नहीं है, कई बार नेट चला जाता है, तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। इसके बाद भी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपके सवाल आते हैं या बात आती है तो निश्चित रूप से हम उसका जवाब देंगे। और मैं यह भी अपील करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पुस्तकालय को कुछ सुझाव दें, सहायता दें, ताकि यह विचार आगे बढ़ता रहे। आप भी प्रयास कीजिए अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने कस्बे में, तहसील में, ज़िले में एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित करने का जो सभी के साझा प्रयासों से आगे बढ़े, सभी का उसमें योगदान हो, सभी आएँ, सभी पढ़ें। महात्मा गांधी जनवादी लाइब्रेरी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना रहे हैं अभी, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देखा और सुना। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।